ओबीसी 534, ओबीसी यूपी, तो किसी भी समय ये हो सकता है, किसी भी समय ये जानकारी आ सकती है। अलॉटमेंट के बारे में कुछ जानकारी आ सकती है, किसी भी टाइम पर ऐसा हो सकता है। चलिए, तो लगातार सभी लोग बने हुए हैं, अभी तक क्या स्थितियां चल रही हैं और वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। वेबसाइट पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। चलिए, तो थोड़ा सा आपको एमसीसी की वेबसाइट पर ले चलते हैं। वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है एमसीसी की, देखिए आप। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:05, 13:05 बताया जा रहा है वेबसाइट पर, आपके सामने टाइमिंग आ रही है और अभी तक कोई भी जो है रिज़ल्ट के बारे में डिटेल वेबसाइट पे नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इतना लेट नहीं होना चाहिए जितना हो चुका है इनका सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक अभी तक अलॉटमेंट जारी नहीं किया गया है। तो देखिए, अभी तक बहुत लेट इन्होंने कर दिया है। देखिए, तो आपको बता दें कि अभी तक जो है एमसीसी की वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं हुआ। यहाँ ऊपर ही अपडेट आ जाएगा आपके सामने कि आप सेकंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आप चेक करें। तो देखिए, ये इतना लेट इन्होंने कर दिया है और ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सारे बच्चे इस समय परेशान हैं कि इस तरीके से क्या इतना लेट इनको करना चाहिए था, जिस तरीके से इन्होंने लेट कर दिया है। सारे बच्चे इस समय परेशान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार। चलिए, अब आपको अलग अलग कॉलेज के कट ऑफ बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उनको अलग अलग कट ऑफ बताए जाएं। चलिए, तो वापस चलते हैं, सभी बच्चों को कट ऑफ बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दिल्ली स्टेट के कट ऑफ, आपके सामने दिल्ली स्टेट के कट ऑफ आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। लड्डू खत्म होगा,
राजस्थान का देख सकते हैं, इसके बाद आप राजस्थान स्टेट का कट ऑफ, इसके बाद यूपी स्टेट का कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसके बाद यूके स्टेट का कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसके बाद बिहार का आप देख सकते हैं कट ऑफ, इसके बाद आप एमपी का कट ऑफ देख सकते हैं आप एमपी का। देखिए रिज़ल्ट थोड़ी देर में ही आने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी टेक्निकल टीम ने बताया कि वेबसाइट में कोई चेंजेज हुए हैं, थोड़ी देर में ही रिज़ल्ट बिल्कुल आज आ जाएगा, बिल्कुल आज आ जाएगा रिज़ल्ट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, आज पक्का आएगा रिज़ल्ट। एमपी के बाद देखिए हरियाणा का आप देख सकते हैं, हरियाणा का कट ऑफ देख सकते हैं, इसके बाद पंजाब का आप देख सकते हैं, पंजाब का कट ऑफ, इसके बाद हिमाचल प्रदेश का स्टेट वाइज कट ऑफ आप इस लाइन में देख सकते हैं, ये पूरी लाइन आपकी हिमाचल, इसके बाद छत्तीसगढ़ इस लाइन में आप छत्तीसगढ़ का देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने, झारखंड का आप इस पूरी लाइन में आप देख सकते हैं बिल्कुल, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का आप देख सकते हैं, इसके बाद वेस्ट बंगाल का कट ऑफ आपके सामने डिक्लेयर हो गया है आप देख सकते हैं, इसके बाद गुजरात का आप देख सकते हैं कट ऑफ आपके सामने आ चुका है, इसके बाद गोवा का कट ऑफ आपके सामने आ चुका है गोवा स्टेट का, इसके बाद महाराष्ट्र का कट ऑफ आपके सामने आ चुका है स्टेट का आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का बिल्कुल लगातार, इसके बाद उड़ीसा का आप देख सकते हैं उड़ीसा का कट ऑफ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है उड़ीसा का, इसके बाद आप आंध्र प्रदेश का कट ऑफ आप देख सकते हैं आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है बिल्कुल, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना का कट ऑफ आप देख सकते हैं आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसके बाद कर्नाटका का कट ऑफ आप देख सकते हैं आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, तमिलनाडु का आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये तमिलनाडु का स्टेट कोटा का कट ऑफ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसके बाद केरला का आप देख सकते हैं केरला का कट ऑफ, इसके बाद असम का आप देख सकते हैं, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का कट ऑफ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसके बाद आप त्रिपुरा का स्टेट कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसके बाद मणिपुर का स्टेट कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसके बाद मेघालय का स्टेट कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसके बाद नागालैंड का स्टेट कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसके बाद सिक्किम का स्टेट कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसके बाद चंडीगढ़ का स्टेट कट ऑफ आप देख सकते हैं बिल्कुल, इसके बाद अंडमान निकोबार का स्टेट कट ऑफ आप देख सकते हैं बिल्कुल। पूरी संभावना जो थी वो यही थी कि 1 बजे के लगभग ये लिस्ट आ जाएगी, और आज की डेट उन्होंने दी थी 5 नवंबर, वेट कर रहे हैं 2:30 बजने तक का, पिछले बार जो है 2:30 बजे के आसपास वेबसाइट पर आई थी, तो ये फर्स्ट राउंड जो आर इंडिया कोटा का नीट का है उसकी लिस्ट आज जारी होने वाली है, सभी लोग लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को वो सारे लोग लाइक कर देंगे और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देंगे।